पैसे कम दे रहा स्विगी वाला, पेट्रोल ज़्यादा लग रहा, ज़्यादा चल रही, ट्रैफिक पहले से ज़्यादा हो गई, अर्निंग कम हो रही, खर्चा ज़्यादा हो रहा, कुछ भी अर्निंग नहीं है, खाली बस काम कर लेना है, दौड़ जाना है, बस ये देखो 600 रुपये तीन ऑर्डर और बाकी है 27 ऑर्डरों को जिसको 350 का इंसेंटिव है। मुश्किल दिख रहा भाई, सब्र कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं डाल रहा, देखो डाल दे रहे बाप। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन राइडर आज़ाद। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से हैं। मैं भी अच्छा हूँ। जैसे कि आज है संडे और जैसा कि आप लोगों को मालूम है संडे के दिन अच्छी खासी अपनी अर्निंग होती, लेकिन आजकल नहीं हो रही। नॉर्मल दिनों में भी जो है कि अर्निंग नहीं हो रही। कल लास्ट ब्लॉग आप लोग देखे थे जो है कि उसमें जो है कि दिमाग ख़राब हो गया, 1000 रुपये की अर्निंग बचाने के वास्ते भी जो है कि घस लेना पड़ रहा भाई, बहुत दिमाग ख़राब हो जा रहा। तो संडे के दिन तो थोड़ी ट्रैफिक कम रहती, ऑर्डर भी आई होप कि अच्छे रहना। तो आज 2000 रुपये की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं अर्निंग की, 2000 रुपये कम से कम हो जाना। तो क्या है अपना जो अर्निंग चैलेंज है 1,00,000 डे का, वो लिमिट में चलते रहता है। तो बहरहाल चलिए आइए लॉगिन कर लेंगे, देखेंगे जो कि आज का दिन का पहला ऑर्डर कहाँ का डालेंगे और कहाँ से पिकअप करना रहेगा, कहाँ ले जाना रहेगा, पूरे सीन बता दूँ मैं आप लोगों को A to Z। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट से देखिए और पसंद आए तो भाई सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। पुराने भी है अगर नहीं करके रखे तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो भाई आज का पहला ऑर्डर सीधा अपने को लकड़ी के पुल मुगल रेस्टोरेंट से यहाँ देखो खींच लिया, बंजारा हिल्स से यहाँ पे। मतलब बुलाने का मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। क्या बंजारा हिल्स में रेस्टोरेंट आ नहीं है, ये यहाँ के राइडर आ नहीं है, आज संडे का दिन है। देखो मुगल खींच लिया भाई, 3-3.5 किलोमीटर बेबहरा। जोमेटो की कॉपी कर रहा पूरा, लेकिन जोमेटो के सर का पे आउट नहीं दे रहा। जोमेटो वाला भी दबा के खींचता लंबा फर्स्ट माइल, और वो भी देखो ये पहला ऑर्डर दिन का है, ले लेके जाना है यहाँ से 5 किलोमीटर, जो कि किधर ले लेके जाना है फिर घुमा के। अरे रे 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 रेती बौली, देखो मेदीपट्टनम रेती बौली ले लेके जाना है। चलो बहरा जाएंगे, आज संडे का दिन है, देखेंगे दिन भर में कितनी अपनी अर्निंग होती, क्या होता है। धूप का बहुत खतरनाक है भाई, आज धूप है, ट्रैफिक तो कमी है, जैसे कि संडे के दिन नॉर्मल रहती। बट पहले क्या मसला कैसा था लॉकडाउन के पहले का, जैसी ट्रैफिक संडे को रह रही ना वैसी लॉकडाउन से पहले नॉर्मल दिनों में रहती थी। संडे के दिन तो समझो कुछ भी नहीं दिखता था, बिल्कुल गल्फ के जैसा रोड़ा खाली, कोई भी नहीं दिखता था, एकदम समझो शांति, एक दो गाड़ियाँ दिख जाते थे पहले लॉकडाउन से पहले। लेकिन अब संडे के दिन भी नॉर्मल दिनों के सर का ट्रैफिक रहने शुरू हो गई। बट ठीक है चलो देखेंगे जो है कि 11-12 बजे तक क्या होता। जैसे जैसे जो है कि दिन गुजरते जा रहे हैं लोगों की तनख्वाह बढ़ती, लोगों की जो है कि सैलरी बढ़ती, काम अच्छा होता। लेकिन ये कंपनी ये जो डिलीवरी के जो ये चीज़ है ना भाई, गिग वर्कर्स बोलते, इसमें क्या है मसला बोले तो इसमें पैसे कम होते हैं आपके, पहली बात। दूसरी बात, आपको पूरी ज़िंदगी कोई भी चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। और तीसरी बात कि आपको गाड़ी हर 2-1 साल में बदलना पड़ेगा, क्यों बोले तो गाड़ी में काम निकलेगा, फिर इंजन का काम निकलेगा, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत परेशानियाँ, आपका बस गुजारा हो जाता। वैसी ये इंडस्ट्री है समझो, एक जो डिलीवरी राइडरों का एक ज़िंदगी रहती ना वो रोड पर ही आधी गुजर जाती। कहने का मतलब ये है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते अगर ये लाइन में आ गए तो। आप लोग पहले कैसा था स्विगी में, पहले कम से कम कुछ नहीं तो 8-9 घंटे में 1000 रुपये अपनी अर्निंग बचती थी पेट्रोल के पैसे निकाल के। पेट्रोल सस्ता था जब 65-72 ऐसे कुछ था, अभी 100 के ऊपर है। तो अभी क्या है पैसे कम दे रहा स्विगी वाला, पेट्रोल ज़्यादा लग रहा, ज़्यादा चल रही, ट्रैफिक पहले से ज़्यादा हो गई, अर्निंग कम हो रही, खर्चा ज़्यादा हो रहा, मतलब भाई चारों पांचों तरफ से जो है कि नुकसान ही नुकसान है डबल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है समझ गया। 621 थैंक यू भाई। 3 बज रहे हैं देखो, और NNDC से अपने को यहाँ पे मधुर स्वीट है देखो पिकअप करे अपन एक ऑर्डर। फ्लोटिंग कैश कितना भरूँ रे भाई, फ्लोटिंग कैश ले लेके जाना है दोमल गुड़ा देखो हिमायत नगर। और अपन जल्दी से यहाँ ठहरे एक शवरमा खा लिए, भूख लगी हुई थी। अब जो है कि संडे का दिन है, मगर क्या है सर जितना खास कुछ दे नहीं रहा, वही छः उसका 50% बोले तो
अब ये ले लेके जा रहे हैं, यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, तो कितने मिल रहे इसके? 25 रुपये मिलते। चलो बहरहाल डिलीवर करेंगे। अब तक जो है कि 6 ऑर्डर हुए मेरे, पिकअप लंबा लंबा बुला रहा तो क्या है, टाइम तो ख़राब होगा ना। आधे घंटे को एक ऑर्डर हो रहा, 3 घंटे में 6 ऑर्डर हुए। अब पिकअप छोटा छोटा रहता था, भले ड्रॉप दे भाई 3-4 किलोमीटर का, मगर जो पिकअप है ना वो अगर तू 3-4 किलोमीटर का देगा तो अपने को टाइम नहीं जाएगा उसका पिकअप करने के वास्ते। मतलब कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है भाई, जहाँ बोले वहाँ से पिकअप बुला ले रहा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई शाम के बज रहे हैं 5:15 और अभी अपन है इर्रम मंजिल खैरताबाद, यहाँ पे एक एक ऑर्डर पिकअप करने जा रहे हैं। आइए पेट्रोल डला लेंगे। एक प्रॉब्लम हो गई यार, ये मेरा जो नेक बैंड है ब्लूटूथ का वो ख़राब हो गया सर का, दिख रहा है, और आवाज़ नहीं आ रही। एक में तो पहले नहीं आ रही थी, वो अपन निकाल दिए थे, अब इसमें भी नहीं आ रही, देखो दोनों में भी नहीं आ रही, तो इसको बंद करके रख दिए अब। और नेक बैंड नहीं रहा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, कॉलिंग पे फ़ोन पे बात करना, हेलमेट लगा लेके रहते तो बहुत मुश्किल होता। 210 का डालो। बोल तो डला लिए अपन 210 का। संडे था लेकिन क्या है नहीं हो पा रहे ऑर्डर, कहीं को बोले तो लंबे लंबे पिकअप दे रहा, हवा दलाना था ज़रा, देखेंगे कोई है तो ज़रा हवा दला लेंगे। अपना टायर जो था ये ट्यूब वाला था, तो अभी अपन इसको ट्यूबलेस बनाने लगाए थे, तो ये नली में से हवा निकल रही। अब इसका सोल्यूशन वही है कि खामोश ट्यूब डला लेना। 50 डाल दो ना, खाली पीछे डालना है, 50 डाल दो। हवा दलाने बैठे तो बोल रहे हैं हवा बिल्कुल भी निकल जा रही ना, तो उन्होंने समझ रहे हैं पंचर है बल्कि, लेकिन वो नली ख़राब है। अब जब तक चल रहा घसरूँ मैं वैसी, अब जब तक जो है कि ट्यूब डलाना है, गाड़ी की सर्विस कराना है, बहुत काम है अभी। यहाँ नेक बैंड लेना बोले तो वो भी 500-600 रुपये का आता, फिर उसके बाद मेरी ऐनक भी टूट के कहीं गिर गई, देखो इसमें रखा था मैं, कहीं गिर गई वो भी ऐनक भी। सनग्लासेस पहने तो क्या है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रहता उससे, तो वो एक चीज़ लेनी है। नेक बैंड लेना है, गाड़ी की सर्विस कराना है, ट्यूबलेस टायर है उसको ट्यूब डलाना है, बहुत काम है भाई। ये सब कामों में भाई हालत छुपा हो जाती, खाली पैसे कमाते रहो डालते रहो, वही मसला हो जाता। तो अब तलक कि मैं आप लोगों को मैं मेरी अर्निंग नहीं बतलाया, देखो भाई कुछ भी अर्निंग नहीं है, खाली बस काम कर लेना है, दौड़ जाना है बस। ये देखो 600 रुपये अर्निंग हुई, 11 ऑर्डर हुए। ये वाला है ना, ठीक है ये लो, ऑर्डर पे हूँ, जल्दी में हूँ। इसका रिप्लेसमेंट वारंटी है ना? तीन महीने का है, बॉक्स रखिएगा सामान। हाँ ठीक है। तो ये अनबॉक्सिंग कर दिए अपन, ये मेरा पुराना वाला काफ़ी अच्छा चला भाई, कम करीब 2.5 साल इसको रगड़ा मैं, ये वायर चेंज कराया था। अब जो है कि इसका वायर चेंज नहीं कराता हूँ, अब इसको पूरा ही चेंज कर लेंगे, काफ़ी अच्छा चला और ये अच्छा है। खाली ये स्पीकर आ गए इसके, अब ये अपन नया निकाल रहे हैं, इसको लगा लेंगे। चलो पहन लेंगे इसको, चलो फ़ोन से कनेक्ट कर लिए इसको अपन। 60% बैटरी है इसकी, अब चल जाना 6 घंटे तो चल जाता आराम से, 45 आवर्स लिखे हुआ है उस पर डब्बे पे, और अच्छा देते हैं प्रोडक्ट जो है कि अच्छा ही रहता, और कम प्राइस में 500 रुपये में मिल गया अपने को। आप लोग वहाँ बताओ कितने का नेक बैंड यूज़ कर रहे हैं बोल के, या नीलोफर लकड़ी के पुल के सामने ठहरते, देखो रुस्तम बोल के है, बंडी लगाते ज़बरदस्त, एक हर एक आइटम, फ़ोन का कवर बोलो, वायर बोलो, ये वायर में इतने साल से आप लोग वहाँ वीडियो में देख रहे होंगे, ये रेड कलर का वायर था, इनके गाने से लिया था मैं। आप लोग वहाँ कब से देख रहे हैं ये मेरे वीडियो ब्लॉग में, 1.5-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ ये वायर, नहीं तो कितने के वायर हाँ 6-6 महीने 3-3 महीने पे ख़राब हो जाते, तो अच्छा प्रोडक्ट रहता। बहरहाल एक ऑर्डर है, वो चलेंगे पिकअप करने को जाएंगे और काम करेंगे अभी। यार देखो क्या क्या ख़राब हुआ मालूम है आप लोगों को, मीटर का केबल ख़राब है, गाड़ी की फुल सर्विस कराना है, अभी नेक बैंड तो ले लिए, चलो ये फ़ोन होल्डर भी टूट के यहाँ पे गिरा हुआ है, तो इसको कैसा कैसा घस घस के चला ले रहा हूँ ऐसे ही संभाल संभाल के, तो पूरा जो है कि खर्चे खर्चे हैं अभी। उठा ले रे बाबा, उठा ले। 2784 ये दोनों है। चलो भाई ऑर्डर पिकअप कर लिए, अब ले जाके डिलीवर करेंगे। 4 बजे के बाद 35% कर दिया, मगर ये 35% भी कवर कर रहा ऑर्डर पे में, आप समझ रहे हैं ना आप लोग क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू। तो भाई हल्लो हल्लो ऑर्डर करते करते रात के बज रहे हैं 9:15 और अभी अपन है इधर ही पंजाब गुप्ता की रोड पर ही अपने को किरा रहा। संडे का दिन है मगर ऐसा दिख नहीं रहा कि संडे का दिन है, क्यों बोले तो बैक टू बैक ऑर्डर नहीं है, आप लोगों के सामने ही है, देखो रुला दे रहा, 7 ऑर्डर बाकी है। अब 11 बजे से पहले तो मुश्किल है होना, ऐसा दिख रहा कि 12 बजे तक भी नहीं होते वो 7 ऑर्डर, क्यों बोले तो आधे घंटे को एक ऑर्डर दे रहा, एक दो ऑर्डरों के वास्ते लास्ट में ना रुला देता, ऐसा दिख रहा मेरे को। लेकिन कोई चॉइस भी नहीं है ना बीच की अपनी, 27 ऑर्डर है या तो 13 ऑर्डर है, 13 ऑर्डर पे 130 रुपये, 27 ऑर्डर पे 350, मल्टीपल भी नहीं लगा रहा कि मतलब बैच डाला तो चलो जल्दी जल्दी हो जाएगा बोल के, इन्हें कैसा भी खींचता 12 तो बचते, कैसा भी 12 के बाद भी हो सकता कि एक दो ऑर्डरों के वास्ते रुला दे, कुछ भी नहीं बोल सकते। चलो देखेंगे कितना होता 11 बजे तक, नहीं हुआ तो भाई 130 रुपये ही सही, 350 छोड़ो। तो भाई टाइम हो रहे हैं देखिए 11 बजने वाले ऑलमोस्ट, और इन्हें जो ऑर्डर नहीं देने का नाटक कर रहा ना, इन्हें मतलब बिठा बिठा के देने का, ऐसे समझ जाओ आप इसका वही मतलब है कि इन्हें टारगेट पूरा होने नहीं देता। 11 बज गए, एक मेरे 3 ऑर्डर और बाकी है 27 ऑर्डरों को, जिसको 350 का इंसेंटिव है। मुश्किल दिख रहा भाई, सफ़र कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं डाल रहा, देखो डाल दे रहे बाप, 3 ऑर्डर बाकी है। मतलब अपन सोचते कि भाई 11 बजे तक हो गया तो 11 बजे तक घर को चले आते, 12 नहीं बजाना बोल के, लेकिन इन्हें कैसा भी करके खींच ही रहा 12 बजे तक, खींच रहा। आप समझो अगर अभी कहीं के लंबा का डाल दिया, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर डाल दिया समझो 15 किलोमीटर का, तो फिर कैसा करना, नहीं कर सकते ना, फिर रिजेक्ट मारना पड़ता, वही चेक का ऑप्शन रहता, फिर रिजेक्ट मार के खामोश घर को चले आना। अब देखेंगे जो है कि क्या है, लॉगिन में तो ही है अभी, अपन 3 ऑर्डर बाकी है, कब तो भी डालता कि ऑर्डर रुला के डाल रहा, देखो ऑर्डर। A few minutes later. ये देखो डाला भी तो इंस्टामार्ट का डाला नामपल्ली, वो भी जो है कि वहाँ यहाँ से बाजार घाट से वहाँ नामपल्ली को वर्रा खाली। अब क्या वहाँ दिक्कत क्या है, उन लोग जो है कि भाई नामपल्ली के इंस्टामार्ट के जो स्टाफ है ना बहुत बेकार है भाई, कहीं को बोले तो उन लोग ऑर्डर पैक करके नहीं रख रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई ये अपना आज का लास्ट ऑर्डर, और आज भी जो है कि कबाड़ी उड़े पे अपन बंद करेंगे ड्यूटी, आउट ऑफ जोन, जो कि यहाँ से घर को 10 किलोमीटर है जाना पड़ता, लेकिन बंद करके। बहरहाल शुक्र है कि पूरा तो हुआ अपना 27 ऑर्डर, ऐसा दिख रहा था कि नहीं होता सर का, भाई को बोले तो भाई जो ऑर्डर दे रहा था ना आज रुला के इंस्टामार्ट के ऑर्डर डाला बोल के, अपन फिर से जाके इंस्टामार्ट के नहीं जो कि बैठ जा रहे थे नाम पर ली गए, तो हो गए। एक आप लोगों को स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ मैं, देखिए 1463 अर्निंग हुई, इसमें 350 का अपने को इंसेंटिव आ जाता, 27 ऑर्डर कंप्लीट हो गए। और गाड़ी का तो मालूम नहीं चला क्यों बोले तो मीटर केबल ख़राब है, तो सोच रहा हूँ कि कल सर्विस वगैरह पूरा काम करा लूँ, कल मंडे है, पूरा काम करा लेके और सब सेट कर लूँ गाड़ी वाड़ी भी, और अपना हेडफोन भी नया ले लिया, अब जो है सो भी कुछ टेंशन नहीं है, बस वही पैसा खर्चा है, अब खर्चा कर लेना है। तो आज का मसला कैसा हुआ बोले तो अपना एक 120 रुपीज़ का लंच हुआ, और समझो ये 1800 की अर्निंग है, तो इसमें से आज का पेट्रोल निकाल दो 250 रुपये का लगा, तो एक 1500 रुपये की संडे के दिन की अर्निंग हो गई, जो कि बहुत मुश्किल से हुई। अब नॉर्मल पहले जो है कि 2000 रुपये संडे के दिन आराम से सुकून से हो जाती थी, मगर अब ये इतना घसने के बाद 1500 रुपये की अर्निंग हो रही है। तो भाई कल अब जो है कि गाड़ी सर्विस कराऊंगा और वॉशिंग फुल सर्विस, मतलब जो भी है जैसा भी जो भी खराब रहता बना लेंगे, आप लोगों को कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बहरहाल बस आज के लिए इतना ही, देखिए अपना 21 डेज में अपनी अर्निंग 1 लाख अर्निंग चैलेंज की अर्निंग हो गई, यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ आप लोगों को, लेकिन ये इतनी है नहीं, कल खर्चा हो जाता माइनस में चले आते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी जो पैसे है ये सेविंग नहीं है, ये अर्निंग है, सेविंग कुछ भी नहीं है, जीरो है समझो। तो बहरहाल बस आज के लिए इतना ही, व्लॉग पसंद आया तो सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, पुराने भी है अगर नहीं करके रखे तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। तो चलिए फिर मिल दो मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, खुदा हाफिज़, मास्सलाम। अबे भाई गाड़ी देखो भाई, अब क्या एंटीक पीस है गाड़ी भाई, विंटेज कार, हैदराबाद में आपको एक से एक
जबरदस्त विंटेज कार देखने को मिलेंगी। ये देखिए क्या कार है भाई, कौन सी कंपनी की है वो भी नहीं मालूम, जरा फिएट की है, विलीज विलीज बोल के लिखा हुआ था।